नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। झांसी शहर कमेटी के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष अरुण वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रेमनगर के हार्ट के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं जयंती के अवसर पर पैदल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था। देश की आजादी में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की आबादी का सूत्रधार अगस्त क्रांति ही है, जिसने सारे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। अंग्रेज हुकूमत कांग्रेस से इतना भयग्रस्त हो गई थी कि उन्होंने कांग्रेस को गैर सरकारी संस्था तक घोषित कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के आंदोलनों से भयग्रस्त है। भाजपा गद्दी छोड़ो, क्योंकि ये देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है और तरह तरह के अत्याचार हमारी जनता पर हो रहे हैं। ना तो युवा खुशहाल है, ना किसान खुशहाल है और महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज इस झांसी के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा से आवाज़ उठे और भाजपा गद्दी छोड़ने को मजबूर हो जाए और हमारी जनता हमारे साथ है। यूएफटी न्यूज 24 के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।